हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल नंबर 19। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 18 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट की सेटिंग करना सीखेंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ऑटोमेटिकली अपडेट इंटायर कॉलम। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे किसी एक सेल में क्लिक किया। सेल में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ड टाइप करता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, लेकिन मैंने यहाँ पे जो वर्ड टाइप किया ये मेरे कॉलम से यहाँ पे बाहर की तरफ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से आपका जो यहाँ पे आपका वर्ड है ये एक कॉलम यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कॉलम का सेटिंग करना सीखेंगे। ओके, इसके लिए आपको जाना है आपके वर्कशीट के ऊपर, और वर्कशीट के ऊपर जाने के बाद आपको अपने वर्कशीट पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कोड का, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का एक यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे आपका सीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सीट वन, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीट वन पे राइट क्लिक करके व्यू कोड के ऊपर क्लिक किया था। ओके, इसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इसमें जनरल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जनरल, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वर्कशीट, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बीच में खाली जगह आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको अपनी तरफ से आपको अपना कोड टाइप करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग करने वाले हैं अपने इंटायर कॉलम की। इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है सेल्स। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर टाइप करना है आपको सेल्स, क्योंकि वहाँ पर जो आपका साइज इंक्रीज होगा वो आपके सेल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया सेल्स। सेल्स टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है पॉइंट। ओके, इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इंटायर कॉलम, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इंटायर कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ गया। आप डाउन एरो से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दीजिए। टैब का बटन प्रेस करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ऑटो फिट। यहाँ पर ऑटोमेटिक फिट के लिए आपको यहाँ पर लिखना है ऑटो फिट। ओके, इसके बाद फिर से आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से टैब बटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो आपकी सेटिंग है ये सक्सेसफुली यहाँ पर ये हो गई है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर जो कुछ भी आप टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो इंटायर कॉलम है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे वर्ड है ये इस कॉलम से यहाँ पे बाहर की तरफ चला गया। ओके, लेकिन आप जब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा और ये एक कॉलम और एक सेल में यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से दूसरे सेल में क्लिक किया। सेल में क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया अपना नाम, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है देवबिंद, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया देवबिंद। ओके, इसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे इस सेल में क्लिक किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई बड़ा वर्ड टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ये वर्ड है ये वाली एक सेल में रहे और एक कॉलम में रहे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैंने इंटरप्रेस किया। इंटरप्रेस करते ही मेरे कॉलम का विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो गया है टेक्स्ट के हिसाब से। ओके, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को वर्कशीट की सेटिंग करना बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।